ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देखते हैं मार्केट किधर की साइड प्लेस्ड होगा। सेंसेक्स की भी एनालिसिस कर लेंगे एक बार को, देखेंगे उसका भी क्या पोजीशन बन रही है, नहीं बन रही है, और ऑप्शन चेन पे चल के उसका डेटा प्लेसमेंट किधर की साइड बैठे हैं वो भी चीज़ अपने लोग देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी से। अच्छा, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ये आपको साइन बाई का दिख रहा है, अभी आप इसको छोड़ इग्नोर कर देना। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि क्या करना है मार्केट में, ठीक है। वन डे का चार्ट देखते हैं, ठीक। एक इसमें आज एसएल हंट हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, बट हो जाता है कभी कभी, डीप हंटिंग भी हो जाती है। अभी फिलहाल देखते हैं इसका। और मिड कैप निफ्टी में अच्छा ट्रेड चला था, बाय साइड का बढ़िया ट्रेड चला था, एकदम मोमेंटम कोई आया था उसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बेरिश बनाया, उसके बाद ये तोड़ नहीं रहा है, तोड़ने को तैयार नहीं हो रहा ये वाला लेवल। कल भी हम लोगों ने चीज़ देखी थी, है ना, ये वाला कौन सा लेवल आ रहा है आपका, दिस वन। या कल ट्रेड्स अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। ये 51,050 के लेवल को ये मार्केट आपको तोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, राइट। इस एरिया को अगर ये एरिया नहीं टूट रहा है तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और अगर ये कल निकालता कौन सा लेवल है, 15 मिनट से टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है, 585। अभी हमने बीएमसी देखा था ना, अभी जो बीएमसी में भी 585 का ही लेवल आ रहा था। 585 क्रॉस करेगा तो 702 और 900 के तक के टारगेट्स बन रहे हैं बीएमसी का। आप इसको व्हाट्सएप कर देना जिसको अभी डेमो लेना है, इसका एक बार आप डेमो देख लेना सॉफ्टवेयर कैसे होता है। अभी एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, इसमें और इसमें दोनों में कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है कि दोनों दो जगह पे एक ट्रेड्स मिल रहा है। प्राइस एक्शन पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद ये एक चैनल में प्राइस एक्शन के थ्रू नीचे आ रहा है, राइट। ये दिख रहा है आपको, दिस इज अ चैनल। अब इसके थ्रू नीचे आ रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट देगा, उसमें 585 आ रहा है, इसमें 590 आ रहा है, तो एक आपको बाय ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स 700 और 900 के लिए, कहाँ तक की भी यहाँ फाइनल टारगेट्स के लिए, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है। अब देखना तीन केसेस होने वाले हैं। अगर मार्केट खुलती है इस रेंज के अंदर 450 60 के और 600 के, यानी इस 150 पॉइंट की रेंज के अंदर खुलती है, तो ये रेंज के जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उधर की साइड पहला ट्रेड बन जाएगा। कल भी हम लोगों ने चीज़ देखी थी, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट देने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप हंटिंग कर गया, अदरवाइज ये सारे टारगेट्स हमारे 700 तक के टारगेट्स से फाइनल, 700 तक के टारगेट्स को टच करके आया था। ये इसके नीचे जाएगा, यानी कौन सा केस है, साइडवेज खुला मार्केट इस रेंज में, और ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट, नीचे जाएगा तो ब्रेकडाउन, यही सिंपल प्लान रखना है, ठीक है। 450 का लेवल नीचे मार्क कर लिया, 600 का लेवल ऊपर कर लिया। व्हाट इफ मार्केट खुल जाए गैप अप, गैप अप खुल जाएगा तो ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी आप लगाना, ठीक है। ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी आप लगा के जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो ट्रेड लेना है। नीचे खुल जाएगी अपडाउन तो भी आपको ओपनिंग रेंज की ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब आपने के पास एक क्लियर डेटा है, दोनों चीज़ें आपको मिल गई हैं, आपके पास एक फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है, उधर आपका सॉफ्टवेयर भी बता ही रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ट्रेड मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक। आते हैं अपने लोग निफ्टी पे एक बार। अच्छा, डेटा अब इसे डेटा देखेंगे, ऑप्शन राइटर्स बैठे कहाँ पे, उसके बाद अपने को एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मार्केट किधर की तरह डायरेक्शन खुलने को भी तैयार है, ठीक है। निफ्टी में भी 386 मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, वो लेवल यहाँ पर टूटा, टूटने के बाद वापस से मार्केट ने एक रीगेन कर लिया, और रीगेन करने के बाद धीरे धीरे हुआ क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी। क्लोजिंग पता है क्या है, क्लोजिंग मेरी ठीक आ गई है बुल्स के फेवर के लिए। अगर क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दे जाती, मान लो 380 के नीचे क्लोजिंग दे जाती तो फिर दिक्कत हो जाती है निफ्टी के अंदर, बट वो निफ्टी पूरा दिन साइडवेज ही रहा और प्रीमियम खाया, मार्केट नीचे आया। उसके बाद सेकंड हाफ सेम बैंक निफ्टी में था, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी याद है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, फर्स्ट आपके 3-4 कैंडल में तो खूब हाई वोलेटिलिटी थी, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, एक साइडवेज मूव में हो गया। सेम चीज़ के मार्केट नीचे आया, नीचे आया कल के केस में, और यहाँ पे लास्ट में पूरी मार्केट ने, मतलब इतना गंदा मार्केट चल रहा, इतना गंदा कि आप इसमें ट्रेड में ब्रेकआउट लग रहा, ब्रेकडाउन लग रहा, और वहीं पे जाके उसने फंसा दिया। 380 नीचे थी और 420 40 पॉइंट के रेंज पूरे दिन मार्केट ने निकाल दिया उसके बाद। एनीवेज एनालिसिस करते हैं निफ्टी की भी। निफ्टी में क्या दिख रहा है आपको, ऊपर गया मार्केट, ऊपर आके एक ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया। कल हम लोगों ने देखा था ये रेंज थी, कल रात में जो लोग भी बैच वाले लोग हो या फिर जो आपको उस मैंने आपको क्या बताया था, 24,400 की कॉल को बेचना है, 500 की कॉल को बेचना है और 400 की पुट को बेचना है, याद है। सारा का सारा प्रीमियम जीरो हुआ है, मतलब वो आपको जितना भी था मैक्सिमम प्रॉफिट था, 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड उसमें बन जाता गया था, क्योंकि 400 की पुट कॉल भी जीरो गई थी, इसकी 400 की पुट बेची वो भी जीरो गई, 500 की कॉल बेची वो भी जीरो गई, बहुत सिंपली तरीके से, तो ठीक था वो ट्रेड, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 440 का लेवल को, और इस लेवल को अपने लोग मार्क करेंगे निफ्टी कल। अगर इसको निकलेगी तो अच्छा चलने को तैयार है, डेटा देख लेंगे कि किसका स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, तो उससे एक और आइडिया लग जाएगी कौन ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 420-440 ये लेवल्स को मार्क करके रखेंगे, ये क्रॉस करेगा ऊपर, और 380 अब की ये बन गई है सपोर्ट वीक, ठीक है। 380 ये वाली देखोगे तो एक बार टिक किया, क्लिक किया, ठीक,
उसके बाद क्या किया, यहाँ पे आज भी गया, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा डीप कर दिया, 350 360 कर दिया था। उसके बाद आज भी हमारा 3 बार इसने बना चुका है, तो अब की अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर ये आपको ब्रेक डाउन भी देगा निफ्टी, अच्छा ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो 380 के लेवल को अभी भी मार्क करके रखेंगे, ऊपर आपकी इवेंचुअल रेजिस्टेंस 530 550 तो आ ही रही है ठीक है, और नीचे आपकी ये सपोर्ट आ रही है। अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे, अगर गैप ये खुलता है तो क्या करेंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, टारगेट्स अपने लोग यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो फिर आप फिर अगेन ओपनिंग रेंज की लगाना, टारगेट्स अपना 280-300 के आसपास तक के भी प्लान करेंगे उस केस में, पीछे कुछ है नहीं ठीक है। और वनडे का चार्ट आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ था क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आके देखोगे आप तो ये आ गया आपका, ये देखो राइट, ये दिख रहा है ना, यहीं से ब्रेकआउट आया था, इसीलिए ये लेवल आपका इंपॉर्टेंट है ना। मार्केट ने अच्छे से यहाँ पे खूब ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेकआउट देने के बाद अब यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्या मैं यहाँ से बुलिश हो गया, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगी, अभी किसी को नहीं पता, आने वाला कल किसी ने देखा है, लेकिन अभी ऐसा कोई साइन नहीं। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, देन रिट्रेस करने के बाद फिर नीचे आया, तो अभी भी ऊपर आने के लिए कंसोलिडेट करके फिर इस तरीके से आपको ब्रेकआउट देता है, जैसे यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है ना, तो इस तरीके से। उससे पहले अभी 26,000 तो आई थिंक कि पूरे साल का ही टॉप लगा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ठीक है, वो 23 ठीक है ओके। तो निफ्टी हो गया अपना, अब निफ्टी के बाद अपने लोग आते हैं ऑप्शन चेन पे और देखते हैं डेटा किस जगह पे प्लेस्ड है। उससे पहले आपको वीडियो को क्या करना होता है, लाइक करना होता है। कोई भी आपका जो भी क्वेरी वगैरह होती है, बैच लेना है, एडवाइजरी लेना है, या कुछ भी होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है उसमें आपको मिल जाता है ना। चलो एनीवेज निफ्टी के बाद आते हैं, एक्सपायरी चेंज करते हैं ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे, 24,500 पे सबसे ज़्यादा OI एडेड होता हुआ दिख रहा है, 33 लैक्स एक कॉल का मुझे सिग्नल तो ये दिख रहा है ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, 24,000 24,400 पे 30 लैक्स कॉल है ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग आपकी दिख रही है। इसमें भी पुट्स में आपके 24,400 पे पुट्स राइटिंग है, यानी कि वही, अरे देखो आप सेम जो कल हम बना के गए थे ना वही सेम है, 24,400 की कॉल राइटिंग, 500 की कॉल राइटिंग और 400 की पुट राइटिंग राइट। तो अभी आप देखोगे तो कितना आपको मिल रहा है, अच्छे खासे प्रीमियम पे आपको बैठा हुआ है, रेंज काफ़ी बड़ी बन जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी इसकी रेंज। ये रेंज कैसे बनती कैसे नहीं मिलती, पे ऑफ ग्राफ किसी ब्रोकर में जाओगे तो वो पे ऑफ ग्राफ में डाल के रखना कि 200 रुपये पे एक कॉल सेल करा, इस पे आपने एक कॉल सेल करा, इसका पुट सेल किया, तो पूरी रेंज वीकली रेंज भी निकल के आती है उससे ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है, 24,400 का भी है, 450 है, 15 लाख है और यहाँ पे भी है, यानी कि इन्होंने क्या करा है, इस लेवल्स पे अच्छी कॉल राइटिंग और अच्छी पुट राइटिंग आपकी करके बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको इसमें ठीक है। तो मार्केट में मेरे को हिसाब से भी क्या है, मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगी, अभी ब्रेक डाउन देना है तो 380 के लेवल ब्रेक डाउन हुए, फिर 200 में भी कुछ कॉल्स हैं आपकी पड़ी हुई, फिर वहाँ तक के लिए प्लान होगा है ना, 200 तक के लिए। नीचे भी अच्छी खासी पुट्स हैं, तो कोई खास सिग्नल मैं अगर कहूँगा निफ्टी के डेटा से मिल रहा है, द आंसर इज नो ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी पे अगर मैं बात करता हूँ तो ओके 51,000 पे सबसे ज़्यादा है, वही 51,050 आपका लेवल याद है, वही लेवल आपका आगे उस पर सबसे ज़्यादा आज पुट्स आके बैठ गए। उन्होंने क्या करा देखो ध्यान से, चार्ट पे आपको चार्ट और डेटा मिल रहा है ना, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो यही यही एरिया है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट्स आके बैठी हैं राइट। तो ये एरिया तोड़ने का सिग्नल पहला कौन सा मिलेगा कि यहाँ पे आके 5,300 के लेवल टूटेगा, तो ये आराम से भी बैठे हुए ने कोई टेंशन नहीं है, किसको टेंशन नहीं है, इन वाले पुट राइटर्स को ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो 52,000 पे लेके 4 लाख 3 लाख 4 लाख 434 इतने बैठी हुई हैं और यहाँ पे 326, तो यानी ये साइडवेज टू बुलिश का साइन आपको बैंक निफ्टी में डेटा आपका दिखा रहा है। तो करना क्या है, करना सिंपली कहाँ पे ओपन हो रही है थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और नहीं तो हमने दो रेंज को मार्क कर रखा है, कौन सी दो रेंज मार्क कर रखी है, 600 की और नीचे आपकी 450 की, तो इसके बाहर जिधर की साइड करेगा ट्रेड उधर की तरफ अपने लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। निफ्टी में वही रेंज कितनी आ रही है, 440-460 एक लेवल आ रहा है और नीचे आपका 380 आ रहा है, तो वो छोटी सी नैरो रेंज है निफ्टी के अंदर ठीक है। डेटा पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, निफ्टी में कोई सिग्नल नहीं है और बैंक निफ्टी में आपका साइडवेज टू बुलिश का सिग्नल है ठीक है। तो ये अपना पूरा एनालिसिस थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।